हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू वो लेट्स ईट बाय शानी। सो आज का मेन्यू है हमारा रामेन बाउल। तो यार ये बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है और मैं सभी बताऊँ ना, आप ये खाओगे आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ईजी है, मतलब ज़्यादा कुछ इसमें करना ही नहीं है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम बनाया था और ये सुपर टेस्टी बना था। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने पैन लेना है, उसके अंदर ऑयल डालो और अपने पसंद के कोई भी नूडल्स लो। आप चाहो तो यहाँ पर मैगी ले सकते हो, नॉर्मल नूडल्स भी ले सकते हो, या फिर आप रामेन के जो पैकेट्स आते हैं वो भी ले सकते हो। मैंने ऑयल लिया, देन इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक डाला, स्प्रिंग अनियंस डाला, बस आपने इनको अच्छे से सॉटे कर लेना है। फिर यार इसमें आपने डालना है पानी, ठीक है, नॉर्मल जितना, बिल्कुल सिंपल बेसिक रेसिपी है, कुछ नहीं, सिर्फ पानी डालो। फिर पानी में आपने ना थोड़ा वेट करना है कि ये ना बॉईल हो जाए। फिर जब वो बॉईल हो जाएगा थोड़ा सा सोया सॉस डालो। यार सोया सॉस मुझे लगता है मेन इंग्रेडिएंट होता है ये कोरियन डिशेज़ का, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो मसाला आता है ना वो आपने ऐड कर देना है, जो नूडल्स के साथ मसाला आता है, देन उसको आपने नॉर्मल पकाना है जैसे हम मैगी पकाते हैं। बट यार इसको ना आपने थोड़ा सूपी रखना है क्योंकि अगर आपने देखा होगा रामेन बाउल इट्स क्वाइट सूपी, सो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, ठीक है, एकदम सूखा मत देना। फिर बस आपने इसको ना पकने देना है नूडल्स को, जैसे हम नॉर्मली पकाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है। थोड़ी देर इसको पकाना है। अब यार मुझे ना ओवर कुक नूडल्स नहीं पसंद तो थोड़ा ही मैं कर दूँ। अब जिस तरह आप मैगी बनाते रहोगे ना उसी तरह साइड में आपने एक एग बॉईल कर लेना है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ना रामेन में ऐसे एग रखते हैं। इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो आप पनीर, टोफू, जो भी अपना पसंद का प्रोटीन है वो आप चूज़ कर सकते हो। फिर मैंने उसको थोड़ा सीजनिंग करा ब्लैक पेपर से, देन बॉईल लेना है, उसके ऊपर सारे नूडल्स डाल दिया, ठीक है, और फिर जो उसका सूप था वो थोड़ा सा बच गया, देखो जैसे आपको दिख रहा है ना वो। अब मुझे भी ज़्यादा सूपी नूडल्स नहीं पसंद इसलिए मैंने थोड़ा ही सूप बनाया था, ज़्यादा नहीं। देन ऊपर से उसका पूरा सूप डाला, फिर उसके ऊपर ना मैंने ये बॉइल्ड एग रख दिए, देन थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन डाला, चिली सॉस डाला और ये बनके रेडी है। मतलब इतना सिंपल और इतना टेस्टी, इवन आपका पेट भर जाएगा इसे खा के। अगर घर में कोई नहीं आई, आपका मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा क्रेविंग हो रही है खाने की, तो ट्रस्ट में आप इसे ट्राई कर सकते हो। फॉर मोर सच वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय, फॉलो फॉर मोर।